आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन और लालू प्रसाद यादव पटना पहुंच चुके हैं। करीब 2.5 से 3 साल के बाद लालू प्रसाद यादव आज पटना पहुंचे हैं और बिहार की धरती पर उनका भव्य तरीके से स्वागत किया गया। तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे थे कि न्यूज फाउंडेशन के माध्यम से किस प्रकार से उनके समर्थकों का भीड़ यहाँ पर आया था, या फिर तेजस्वी यादव हों, जगदानंद हों, तेज प्रताप यादव हों, राजद के बड़े जितने भी नेता हों, कार्यकर्ता हों, सभी लोग यहाँ एयरपोर्ट पर मौजूद थे। आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव के साथ राबड़ी देवी हो, मीसा भारती हो और उनका सारा परिवार यहां पर पहुंचा है। हम लोग लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे थे न्यूज फाउंडेशन के माध्यम से कि किस प्रकार से लालू प्रसाद यादव पटना पहुंचे और सीधी तस्वीर देखिए, किस प्रकार से भव्य स्वागत किया गया है, फूलों की बौछार किया गया है लालू प्रसाद यादव के पटना पहुंचने पर। तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी किस प्रकार से तेज प्रताप यादव उनके साथ थे और उनको गाड़ी में बैठाए, और किस प्रकार से मीसा भारती, राबड़ी देवी हो या तेजस्वी यादव हो, सभी लोग, सभी राजद के नेतागण, सभी लोग यहां पर मौजूद थे। लगातार तस्वीरें हमने आपको दिखा रहे हैं एयरपोर्ट से लाइव के माध्यम से। और बात की जाए कि दरअसल जो बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव है, माना यह जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव कुशेश्वर स्थान और तारापुर, इन दोनों सीटों पर जाकर प्रचार भी करने वाले हैं। हालांकि लालू प्रसाद यादव की तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, जिसको लेकर के चिकित्सक ने उनको कहा है कि थोड़ा सा आराम करना है। लेकिन लालू प्रसाद यादव ने कहा था दिल्ली से निकलते वक्त कि हाँ, हो सके तो हम प्रयास करेंगे कि तारापुर और कुशेश्वर स्थान भी जाएं, और कहीं ना कहीं अगर लालू प्रसाद यादव अगर चुनाव प्रचार में जाते हैं तो कहीं ना कहीं आरजेडी को बहुत बड़ा ही फायदा होने वाला है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव का अपना एक अंदाज है और वो जिस प्रकार से चुटकीले अंदाज में अपने विरोधियों को निशाना पर लेते हैं, चाहे उनके जो कार्यकर्ताओं से जुड़ने का बात किया जाए, जिस प्रकार से वो अपने कार्यकर्ताओं से, नेताओं से जुड़ते हैं, बात करते हैं, वहीं दूसरी ओर अगर बात की जाए कि लालू प्रसाद यादव के सामने एक चुनौती ये रहेगी कि जिस प्रकार से तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव के बीच में महाभारत चल रहा था, तो क्या कुछ कितना कुछ कंट्रोल डैमेज कंट्रोल कर पाते हैं लालू प्रसाद यादव, देखने वाली बात ये भी होगी। हालांकि सबसे बड़ी अभी चुनौती लालू प्रसाद यादव के सामने होगी कि जो 2 सीट है, जो 2 उप सीटों पर बिहार में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उसको किस प्रकार से विजय किया जाए और वो दोनों सीट राजद के खाते में किस प्रकार से राजद की झोली में जाए। और जो बिहार में बात की जाए कि कम सीटों का ही दूरी है, और अगर सरकार बनाने में कहीं ना कहीं ये 2 सीट भी बहुत ही काम आ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं सारा समीकरण यही है कि लालू प्रसाद यादव अगर पटना आते हैं तो कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में एक बड़ा भूचाल भी आ सकता है। और हमने आपको तस्वीरें लगातार दिखाई किस प्रकार से तेजस्वी यादव हों या तेज प्रताप यादव हों, दोनों बेटे हों, उनकी बहन हो मीसा भारती, या फिर लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, किस प्रकार से पटना एयरपोर्ट पर आज उनका भव्य स्वागत किया गया है। न्यूज फाउंडेशन के माध्यम से हमने लगातार आपको तस्वीरें दिखाई कि आप देख सकते हैं कि राजद के समर्थकों में, कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह है। और भी अपडेट्स देते रहेंगे लगातार न्यूज फाउंडेशन। Oh,
बच्चे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे तेज प्रताप भैया? सर लालू प्रसाद यादव पटना पहुंचे हैं, क्या कहना चाहेंगे लालू यादव? पिताजी के आगमन पर क्या कहना चाहेंगे तेज प्रताप यादव जी? अब तस्वीरें देख सकते हैं किस प्रकार से तेज प्रताप यादव और लालू प्रसाद यादव का काफिला जो है राबड़ी आवाज की ओर बढ़ रहा है। आप तस्वीरें में देखिए किस प्रकार से समर्थकों का हुजूम जो है उनके